फिर मैं मेरा बड़ा दिल जला हजरत पिछले दिनों वो जनाब वो कंजरियाँ गई दी मस्जिद वजीर खान के बाहर उतने जाके नाच गाना कर दी पई है अदरत लौट के अंदर वो थिएटर है सारा कुछ होता है। हमने कभी इसके ऊपर एहतजाज रिकॉर्ड नहीं कराया। एक लम्हे के लिए सारे सोचना, सिर्फ एक लम्हे के लिए। और आपको पता है कि जनाब वो जो उनकी हमायती थी उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हम सियाहत को प्रमोट करने के लिए, एक वफाकी वजीर भी गया था सी नाल, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता है, नाच दी पियान। मुझे बताओ यार, अल्लाह रसूल को नाराज करने वाली बात नहीं? जेड़ा बंदा कहता है ना जनाब मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ इस बात को, है उसके घर के सामने तुम खाजा सरा नचाओ है, वे खाजा सरा तुहाडे घर दे बूहे दे अगे आ जाए तो तुम शर्म महसूस कर ला पैंदे है। रब के घर के बाहर जनाब नाच गाना हुआ, रब के घर के बाहर है, पकड़िया भी कोई भी नहीं गया जनाब है। और शेख सियाल भी अल्लाह ताला उस बंदे ने दराजी उमर बिल खैर अता फरमाए, उन्हें जनाब एहतजाज किया, चौक पंजाब पुलिस लै गई। वो खुदा का कुछ खौफ करो यार। लोग कहते हैं कारी साहब तुसी कादी गल करदे हो, आप क्यों बात करते हो, तो होर आके अमरीका तो किसी ने गल करनी है? बताओ तो सही है, या मिंबर पे बैठने का ये मजा आ जाए कि मैं अपना सुभान अल्लाह लावा तो टुर जावा, और आपका यही है कि जनाबे वाला आप मुझे सुनने के लिए आओ चले जाओ? कोई गैरत का पैगाम भी होना चाहिए यार। जो बंदा ये कहता है कि जनाब मैं बर्दाश्त करता हूं, उसके घर के सामने यार कोई कंजरी नाचे है, वो कहता है इज्जत दात ला छड़िए, इज्जत दात ला छड़िए, वो अल्लाह का घर है, बाहर जनाब नाच गाना हो रहा है, खौफे खुदा शर्मे नबी। वो एक मैं कहना इकबाल ने उदो मुसलमाना दी हालत देखी थी, इकबाल लेके गया, इकबाल कहता है कल्ब में सोज नहीं, रूह में सांस नहीं, कुछ भी पैगामे मुहम्मदी का तुम्हें पास नहीं, वजाबे तुम हो नसारा तमद्दुन में हनूद, ऐसे होते हैं मुसलमान जिन्हें देख के शर्माई यहूद। ये जितने सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो वाह चुके करो यार, मेरे घर के बाहर काम थोड़ी हुआ है, अल्लाह के घर के बाहर काम हुआ है, तुम्हारे घर के बाहर कोई काम हो जाए खुश में तुम पर्चा भी कराओ, बंदा भी लटकवाओ है। दोस्तों ने अल्लाह के घर के बाहर देखो जनाब, और फिर उस तो बाद आके जनाब जिन्हें एहतजाज रिकॉर्ड कराया उन्होंने पुलिस ले गई है। खुदा का वास्ता है, ये हाथ जोड़ के आप सब के सामने हाथ जोड़ के मैं कहता हूँ आज दीन नाल खड़े हो जाओ है। जे दीन ने कह छड़िया ना कि मौला मेरी वजह से इनको तो इज्जत मिली थी, तो दीन की वजह नहीं मुसलमान आख्या जाता है ना, दीन की वजह से कहा जाता है ना, दीन की वजह से जन्नत में जाना है ना, तो यार जिन्हें जोगो है ना स्टेटस भी ला सकते हो ना, स्टेटस भी लाया करो दीन वास्ते। हमारा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है, देखो ना इल्मुद्दीन साढ़ा की लगता सी है, बाबे रिजवी के साथ हमारा क्या कोई जनाब लेना देना था? बताओ नाम उससे प्यार करते हैं कि नहीं? आज भी यकीन करो है ये जितने हुक्मरान है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए खड़े हो जाए इन्होंने जुतियाँ सिर दे उत्ते रखेंगे यार, ऐसी कौन सी बात है? लेकिन की हजरत मैंने बड़ा हजरत दुख होया, देखो ना इलेक्शन हुआ दो बंदे फड़के गए, दो मारे गए, दो मारे गए ना, मारे गए किस लिए? सियासत के लिए, यही दीन वास्ते कोई मरदा उन्हें कहा देखो जी दीन के लिए ये करते हैं। इकबाल ने कहा था, इकबाल की सोच आज अगर स्कूल आज पढ़ाने लग पे ना यकीन करो तुम्हारे मुल्क में सही तब्दीली आ जाए। आज इकबाल कहता है जुदा हो दी सियासत से रह जाती है चंगेजी, तो चंगेजी है हर बंदा आड़े लगे रहे, कोई किसे आरे लग गया कोई किसे आरे लग गया, दीन के लिए खड़े हो जाओ, अली से प्यार करो, अबू बकर से प्यार करो, इनसे मोहब्बत का इजहार करो, तुम्हारे जनाजे बताएंगे कोई आम नहीं जा रहा मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा।